क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विवरों का पंचाल स्टोर्स की बही में रोम नामचा तैयार करके खाता बही में जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। 2016 अप्रैल 1 पहला तारीख का है, 40,000 रोकड़ और 20,000 फर्नीचर धंधा में लेके आए हैं। तो आपने रोम नामचा तो सीख लिया होगा, तो रोकड़ लेके आए हैं, जो आए तो उधार जाए तो जमा, सीधे सीधे नियम याद रखना है। यानी रोकड़ आया तो रोकड़ उधार और फर्नीचर खाते उधार, और ये धंधे के लिए क्या है, पूंजी, तो पूंजी खाते जमा, इस तरह से इसका आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं पहला तारीख है, यहाँ पर 2016 लिख देते हैं, और क्या था अप्रैल, तो अप्रैल तारीख 1 रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाता उधार, ओके, और फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता उधार, पूंजी खाते का, पूंजी खाते का कितना है, 40,000 है, और यहाँ 20,000 है, और यहाँ पर आएगा 60,000, ओके। यहाँ विवरण में लिखते हैं, तो आप किसी भी विवरण लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं रोकड़ तथा फर्नीचर, फर्नीचर धंधा में लाए, बरोबर। तो हमने एक एंट्री कर ली है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा 36,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से धवल स्टोर को बेचा, तो बेचा है तो बिक्री खाते जमा होता है। 15,000 धवल स्टोर से रोकड़ मिले। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 36,000 का 10% माइनस करके 10% करेंगे तो 3,600 आता है, और 3,600 में से हम लोग 36,000 में से 3,600 घटाते हैं तो 32,400 आता है, और 32,400 में से 15,000 घटाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे करना है एंट्री। तो दो तारीख है, सबसे पहले लिखेंगे धवल खाता, धवल ट्रेडर्स खाता, क्योंकि कुछ उधार में है और कुछ रोकड़ी में है, और रोकड़ से दिया है तो रोकड़ खाते उधार आता है, रोकड़ खाते उधार आ जाता है। और बिक्री खाते का, तो बिक्री खाते का, अब यहाँ पर समझना है कि हमने 36,000 में 10% माइनस किया तो 32,400 आ जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 36,000 माइनस 10% दबाओगे तो अपने आप कितना आ जाएगा, 32,400 आ जाता है। उसमें से उसने कितने दे दिए हैं रोकड़, 15,000 दे दिए हैं, तो इसमें से 15,000 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 17,400 आ जाता है। विवरण में हम लिखते हैं के रुपये 36,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, जिसमें से धवल स्टोर्स ने 15,000 रोकड़ दिया, ओके। इस तरह से हमने दो तारीख की एंट्री भी कर ली है। अब तीसरा देखते हैं, तो 3 तारीख का है, 18,000 बैंक में भरे, तो ध्यान रखना है, तो बैंक में भरे हैं यानी कि आए तो उधार, यानी बैंक में आया है पैसा 18,000 तो बैंक खाते उधार आ जाता है। क्या आया है, तो रोकड़ आया है, इसलिए रोकड़ खाते उधार। तो हम देखते हैं एंट्री तीसरा है, लिखेंगे बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का 18,000 और 18,000, ओके। विवरण में लिखते हैं रुपए 18,000 बैंक में भरे, ओके। तो ये हमारा विवरण है, ओके। अब 4 तारीख का देखते हैं, अब 4 तारीख का देखते हैं, तो धारा ट्रेडर्स के पास से 20,000 का माल 12% व्यापारी बट्टा से खरीदा और 8,000 चेक से दिया, तो खरीद खाते तो उधार आता ही है, अगर जितना रुपये उधार है तो उसका नाम आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे खरीद खाता उधार, आधे पैसे दिए हैं रोकड़ी से और आधे बैंक से दिए हैं और आधे दिए नहीं हैं, तो इसलिए जो पैसे नहीं दिए हैं उसके नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा ट्रेडर्स खाता खाते खाते का, और लिखते हैं बैंक खाते का, बैंक खाते का, क्योंकि चेक दिया है ना इसलिए बैंक खाते का आता है।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 12% दिया है, तो हम 12 दूनी 24 होता है, तो 20,000 में से 2400 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14,600। व्यापारी बट्टा 12%, इसलिए 20,000 माइनस 12% कैलकुलेटर पे करोगे तो डायरेक्ट कितना आएगा, 17,600 आ जाता है। अब यहाँ पर देखोगे बैंक से कितना दिया है, 8,000, तो 17,000 में से 8,000 घटाओगे तो 9,600 आता है, तो 9,600 यहाँ लिख देते हैं। विवरण में लिखते हैं हम यहाँ पर कि धारा ट्रेडर्स से रुपये 20,000 का माल 12% व्यापारी बट्टा से खरीदा और रुपये 8,000 का चेक दिया। ओके, इस तरह से हमने विवरण लिखा है। आपकी इच्छा हो तो विवरण लिखें, नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखें। ओके, अब यहाँ पर 5 तारीख का दिया, ऑफिस खर्च चुकाने के लिए बैंक में से 5,000 तथा घर खर्च के लिए 4,000 बैंक में से निकाले हैं। तो जो ऑफिस खर्च के लिए निकाले हैं तो आप जो निकाले हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ निकाले, तो रोकड़ खाते उधार 5,000 आएगा, और घर खर्च खाता है उसको हम क्या लिखेंगे, आहरण खाता लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाँचवा है, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता उधार आहरण खाता घर खर्च के लिए, इसलिए आहरण खाता लिखते हैं। बैंक से निकाले हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे पास ये रोकड़ रुपये आया ये तो घर पे चला गया है, बरोबर। इसलिए यहाँ पर अगर आप ऑफिस खर्च खाता भी लिखोगे तो भी चल जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे, 5,000 और 4,000 कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, इसलिए बैंक खाते का दोनों को जोड़ते हैं तो 9,000 हो जाता है, तो 9,000 हमने यहाँ लिखा है। और विवरण में लिखते हैं क्या लिखेंगे, विवरण में ऑफिस ऑफिस खर्च के लिए रुपये 5,000 तथा घर खर्च के लिए रुपये 4,000 बैंक में से निकाले। ओके, इस तरह से हम लोग विवरण लिख दिया है। आगे देखते हैं तो 7 तारीख का देखते हैं, 7 तारीख में लिखा ऑफिस खर्च 22,000 चुकाया, तो ऑफिस खर्च हमने 22,000 चुकाया है, तो 7 तारीख का लिखते हैं। तो क्या ऑफिस खर्च खाते उधार लिखेंगे, ऑफिस खर्च खाते उधार, और कितना है तो यहाँ पर है 2,200 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ चुकाए हैं, तो रोकड़ खाते का कितना है तो 2,200 रुपये। ओके, अब यहाँ विवरण में लिखते हैं हम लोग ऑफिस खर्च रुपये 2,200 चुकाया। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है 8 तारीख का, जयेश भाई को 8,030 के देवा पेटे 4,800 पूर्ण हिसाब में रोकड़ी चुकाए हैं। तो ध्यान रखना, जयेश भाई को दिया है पैसा, जयेश भाई के पास गया है, इसलिए जयेश भाई खाते उधार हो जाता है, वो हमने रोकड़ दिए हैं इसलिए रोकड़ खाते का हो जाता है। लेकिन 4,830 था, उसकी जगह पर 4,800 दिया है, 30 रुपये कम दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 तारीख का लिखेंगे जयेश भाई खाते उधार, जयेश भाई खाते उधार, और यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाते का कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना था 4,830। अब यहाँ पर कितना दिया है 4,800, 30 रुपये कम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कसर खाते का, यानी कम दिए हैं इसलिए क्या लिखते हैं, कसर खाते का, कितना कम दिया है 30। ओके, विवरण में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जयेश भाई को रुपये 4,830 के बदले 4,800 रुपये नगद या रोकड़ चुकाए। ओके, इस तरह से विवरण लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 9 तारीख का देखते हैं
देखेंगे यहाँ पर गोडाउन में आग लगने से 3200 का माल जल गया, बीमा कंपनी ने 2600 का दावा स्वीकार किया है। देखो 3200 में आग लग गई है जिस बड़ो नुकसान हुआ 3200 का, लेकिन 2600 रुपये बीमा कंपनी ने दिए हैं, यानी 600 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस एंट्री को दो तरह से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि बीमा कंपनी खाते, बीमा कंपनी कंपनी खाते उधार, तो बराबर बीमा कंपनी से हमको पैसा मिला है, कितना मिला है 600 रुपये। और आग से नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आग से नुकसान, आग से नुकसान खाते उधार, तो 3200 का माल था, 2600 मिल गया, 600 रुपये का नुकसान हुआ। यहाँ हम लिखते हैं खरीद खाते का, कितना लिखेंगे 3200। यहाँ पर देखो क्योंकि जो माल था वो खरीद के लेके आएंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आग से जल गया माल खाते का, ऐसे भी लिख सकते हैं। विवरण, आग से 3200 का माल जला जिसमें बीमा कंपनी ने 2600 रुपये दिए। ओके, तो इस तरह से हमने ये तारीख का देखते हैं, अनिल ट्रेडर्स के पास से 6600 का माल खरीदा, ₹2600 नगद चुकाई, खरीदा है तो खरीद खाते यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीद खाते उधार, और यहाँ लिखते हैं कितने का खरीदा है 6600 का, और रोकड़ खाते का कितना रोकड़ चुकाया है, तो यहाँ पर देखेंगे 2600 रोकड़ चुकाए हैं, तो यानी 2600। अब कितना बाकी रह गया है तो घटाएंगे तो 4000 रह गया है, तो 4000 क्या, तो 4000 हम लोग उसका नाम लिख देंगे, किससे खरीदा है, अनिल ट्रेडर्स खाते का। ओके, विवरण मैं आप लिख लेना क्या लिखोगे, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखेंगे विवरण में कि अनिल ट्रेडर से 6600 का माल खरीदा जिसमें 2600 नगद चुकाए। 11 तारीख का देखते हैं, तो 11 तारीख में 12 तारीख है, 12 तारीख का दुकान भाड़ा 4800, घर भाड़ा 6000 धंधे में से चुकाया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखते हैं क्या चुकाया है, तो हम लोग लिखेंगे दुकान दुकान भाड़ा खाते उधार, और घर खर्च क्या लिखा है इसलिए क्या लिखेंगे, आहरण खाते का, आहरण खाते उधार। ओके, दोनों खाते उधार होंगे, तो हमने क्या किया है, चुकाया है यानी नगद चुकाया होगा, इसलिए रोकड़ खाते का, रोकड़ रोकड़ खाते का, तो कितने कितने का चुकाया है, तो यहाँ पर देखेंगे दुकान का भाड़ा है हमारे पास 4800, और घर खर्च का है धंधे में से चुकाया घर भाड़ा, तो घर का भाड़ा यहाँ पर 6000 है, 6000 लिखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 10800 रोकड़ चुकाए हैं, 10800। विवरण में आप क्या लिखोगे, तो विवरण में हम लिखेंगे कि दुकान भाड़ा 4800 और घर भाड़ा 6000 का धंधे में से चुकाया है। अब 13 तारीख का देखते हैं, तो 13 तारीख में लिखा है अनिल ट्रेडर्स को 4000 का चेक चुकाए, अनिल ट्रेडर से हमने माल खरीदा था उसको 4000 और दिए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 तारीख क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अनिल ट्रेडर्स के पास पैसे गए हैं, इसलिए अनिल ट्रेडर्स खाते उधार आ जाएगा, ट्रेडर्स खाता उधार, और क्या है लिखेंगे बैंक खाते का, कितना कितना है, तो अनिल ट्रेडर्स का है हमारे पास 4000। ओके, यहाँ 4000। ओके, विवरण में आप क्या लिखोगे कि अनिल ट्रेडर्स को 4000 का चेक दिया, और वो इसलिए बैंक खाते हमने यहाँ पर लिखा है। अब खतौनी करने सीखते हैं किस प्रकार से खतौनी की जा सकती है, तो खतौनी करते समय आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा है रोकड़ खाता उधार, बरबर, तो कैसे करते हैं, जैसे रोकड़ खाता उधार है तो इसमें जमा में कौन लिखा है, तो पूंजी खाता लिखा है, बरबर, तो पूंजी खाता जमा है तो हम लोग रोकड़ खाते में इसको क्या लिखेंगे, उधार में, क्योंकि ये जमा साइड है उल्टी असर करते हैं, तो यहाँ जमा साइड में
तो हम लोग क्या करेंगे, रोकड़ खाते के उधार साइड में करेंगे। अब रुपए भी ध्यान रखना, तो आप है ना 60,000 नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग किसके खाते में लिख रहे हैं, तो रोकड़ खाते में लिख रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाते का कितना रुपया है 40,000, इसलिए इधर 60,000 की जगह पर 40,000 पूंजी खाते हम रोकड़ खाते में लिखते हैं। तो जैसे ये रोकड़ खाता है, हमने देखा कि पूंजी खाता इसमें कहाँ लिखा था, जमा साइड में, तो हम लोग उधार साइड में लिखते हैं। तारीख था 1, बराबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर आपको हमने ये लिख दिया है, तारीख विवरण रोम नाम चा प्रश्न नंबर रकम, तारीख विवरण रकम, बराबर यहाँ पर भी रोम नाम चा प्रश्न नंबर आता है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ ये छपा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं पूंजी खाते, तो पूंजी खाते कितना लिखने का है, तो आप यहाँ पर 40,000 था। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब हम अगला फिर से देखते हैं, चलो ये लाइन हो गई। आप फर्नीचर खाते का लिखते हैं, तो फर्नीचर खाते में भी ध्यान रखना है, फर्नीचर खाता तो ये उधार है, तो इसके जमा साइड में कौन लिखा है, अपोजिट साइड वाला देखना था, पूंजी खाता लिखा है, तो पूंजी खाता फर्नीचर खाते के अंदर पूंजी खाता लिखना है, पर 60,000 नहीं दर्शाना है, क्योंकि फर्नीचर खाते में लिख रहे हैं, तो इसलिए 20,000 रुपये लिखेंगे। तो ये हमारा फर्नीचर खाता है, इधर लिखेंगे तारीख 1 पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना दिया था, तो यहाँ पर कितना था, तो 20,000 था, कितना था 20,000। अब हम आगे फिर से देख, अब इसके खाते में लिखना है, तो लाइन बाई लाइन से लिखते जाए, तो पूंजी खाता, तो पूंजी खाते के किस ओर जमा करेंगे, तो ये पूंजी खाता है, ये उधार है, तो इसके अपोजिट साइड में लिखते हैं, तो यानी उधार साइड में कौन लिखे, उधार साइड में तो दो दो एंट्री हैं, तो दोनों की हम एंट्री पूंजी खाते में करेंगे, बरोबर। तो यहाँ पर ये दोनों उधार है, तो पूंजी खाते में इन दोनों को जमा साइड में लिखते हैं, रोकड़ खाते जमा साइड में, फर्नीचर खाते इनकी ही रकम लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर रोकड़ तारीख है 1, रोकड़ खाता कितना था 40,000, और तारीख 1 तारीख का है, क्या लिखेंगे, फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता कितना है 20,000, बराबर। टोटल वोटल करना नहीं है, बस इतना ये हो गया, पूंजी खाता बनके तैयार। अब हम देखते हैं धवल ट्रेडर्स खाता बना रहे हैं, धवल ट्रेडर्स खाते में जमा साइड में देखेंगे, क्योंकि ये उधार है, तो जमा साइड में बिक्री खाता है कितना है 32,400 है, तो डबल ट्रेडर्स खाते में हम लोग कितना लिखेंगे, जितना लिखा है 14,000, डबल ट्रेडर्स के कितने लिखा है 17,400, और इसके अपोजिट साइड में जमा साइड में लिखा है, इसलिए इसके खाते में इसको उधार साइड में लिखते हैं। तो तारीख है 2, 2 तारीख का लिखते हैं, तो 2 तारीख का लिखते हैं बिक्री खाता कितना था 17,400 था। अब यहाँ पर देखो रोकड़ खाता लिखा है, तो रोकड़ खाते में बिक्री खाता लिखना है, तो रोकड़ खाता उधार साइड है, तो ये जमा साइड लिखा हुआ है, तो हमको इसको, ये जमा साइड को हम लोग कहाँ लिखेंगे, उधार में लिखेंगे, रोकड़ खाते के उधार साइड में लिखेंगे, बिक्री खाता कितना 15,000। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है हमारे पास 2, बिक्री खाता, बिक्री खाता कितना है 15,000, तो 15,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो बिक्री खाता, तो बिक्री खाता जमा है, तो इसके अपोजिट साइड में कितने हैं, 2 लोग हैं, 2 एंट्रियाँ हैं, तो इसको हम लोग, ये दोनों एंट्री उधार है, तो इसके खाते में इनको जमा साइड में लिखते हैं 17,400 और 15,000। तो ये हमारा बिक्री खाता है, तारीख है हमारी 2, यहाँ लिखेंगे धवल ट्रेडर्स खाता कितना है 17,400, और यहाँ पर 2 रोकड़ खाता 15,000। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा हो गया है, यहाँ पर 3 तारीख का देखते हैं, बैंक खाते उधार 18,000, रोकड़ खाते का 18,000, तो बैंक खाते में हम इसको बैंक खाता उधार, बैंक खाता बना रहे हैं, बैंक खाते में हमको रोकड़ खाते लिखना है, बरोबर। तो ये तो जमा साइड में, तो इसके कहाँ पर लिखेंगे, उधार साइड में, अपोजिट यानी कि उल्टा लिखते हैं, तो बैंक खाते में रोकड़ खाते को उधार तरफ दर्शाना है 18,000। ओके, तो ये हमारा बैंक खाता है, तारीख है 3, रोकड़ खाता कितना है 18,000। ओके, अब रोकड़ खाते में बैंक खाता दर्शाना है, तो बैंक खाता किधर है, उधार, तो उसको रोकड़ खाते के जमा साइड में हमको बैंक खाता लिखना है 18,000। तो यहाँ लिखते हैं 3 तारीख बैंक खाता कितना है 18,000। ओके, तो हमने 3 तारीख का कर लिया है, अब हम लोग 4 तारीख का देखते हैं, खरीद खाता उधार
और धारा ट्रेडर्स खाते का 9600, तो हम लोग इसका खाता बना रहे हैं, खरीद खाता। तो खरीद खाते के अपोजिट साइड में तो दो लोग लिखे हैं, तो दोनों को हमको लिखना पड़ेगा बरोबर। धारा ट्रेडर्स खाते उधार, खरीद खाते के उधार साइड में दोनों को दर्शाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा दर्शाते हैं। चलो देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 4 तारीख, 4 तारीख को लिखते हैं धारा ट्रेडर्स खाता कितना है, तो ये है 9600। और 4 तारीख को बैंक खाता लिखते हैं, बैंक खाता कितना है, 8000 है। तो यहाँ देखते हैं, अब हम धारा ट्रेडर्स खाता लिखते हैं, तो धारा ट्रेडर्स में कितना है, 9600 है। तो हम इसके अपोजिट साइड में देखते हैं, तो ये लिखा है खरीद खाता। तो धारा ट्रेडर्स के खाते में खरीद खाता लिखना है बरोबर, 9600 लिखना है, ध्यान रखना है, ये नहीं लिखना है। तो धारा ट्रेडर्स खाते में 9600 लिखना है, क्या लिखना है, खरीद खाता किधर साइड लिखना है, तो ये उधार है, तो इसको जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं धारा ट्रेडर्स खाता है, तारीख है 4, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, खरीद खाता कितना लिखेंगे, 9600 लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता, बैंक खाता लिखा है, तो बैंक खाते के अंदर हमको इसके अपोजिट साइड में कौन है, खरीद खाता, तो खरीद खाता लिखना है, तो ये उधार साइड है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, जमा में, कितना लिखेंगे, तो बैंक खाते में लिख रहे हैं, इसलिए बैंक खाते का कितना दिया, 8000, तो 8000 लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 4 तारीख का खरीद खाता कितना है, 8000, ओके। अब 5 तारीख का देखते हैं, रोकड़ खाता उधार है, तो इसके अपोजिट साइड में लिखा है बैंक खाता, तो रोकड़ खाते में बैंक खाता लिखना है, तो बैंक खाता जमा है, तो रोकड़ खाते के उधार साइड में दर्शाएंगे, तो पैसा कितना लिखेंगे, तो इसके सामने जो लिखा है वो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तारीख है, हमारे पास यहाँ कितनी तारीख है, तो 5 तारीख है, 5 तारीख का लिखते हैं। ऑफिस खर्च खाता लिखा हो तो यहाँ पर ऑफिस खर्च खाता आता है, और अगर आपने यहाँ पर रोकड़ खाते ऐसे करके लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बैंक खाता, क्या लिखोगे, बैंक खाता, ओके। यहाँ पर कितना है बैंक खाता, तो यहाँ पर हमारे पास है 2200 रुपये है, सॉरी 5000 था, हम लोग यहाँ पर 5000 लिखते हैं, कितना लिखा था 5000। अब हम लोग आरण खाते में लिखेंगे, आरण खाते में कितना लिखना है, 4000 लिखना है, और क्या लिखना है, बैंक खाता, क्योंकि आरण खाते के अपोजिट साइड में यानी उल्टे साइड में बैंक खाता है। अब इसको दर्शाना हो तो इसको भी उल्टा दर्शाएंगे, ये जमा में है तो कहाँ लिखेंगे, उधार में, 4000 उधार लिखते हैं, बैंक खाता। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कितनी तारीख थी, यहाँ पर तो यहाँ 5 तारीख थी, आरण खाता बनाया है, बैंक खाता लिखते हैं, बैंक खाता कितना था, तो बैंक खाता हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो 4000 था, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे बैंक खाते में दोनों को लिखना है, रोकड़ खाता और आरण खाता लिखना है बरोबर, क्या क्या लिखना है, रोकड़ खाता और आरण खाता कितना लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। तो 5 तारीख है, यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता, और 5 तारीख का यहाँ पर लिखते हैं आहरण खाता, आहरण खाता कितना लिखेंगे, 5000 और 4000, ओके हो गया। अब 7 तारीख का लिखते हैं ऑफिस खर्च खाते उधार, तो ऑफिस खर्च का 22000 है, तो ऑफिस खर्च खाता हमने बनाया है, उस खाते में हमको क्या लिखना है, रोकड़ खाता, और किधर साइड लिखना है, उधार साइड, क्योंकि ये जमा में, इसलिए उधार साइड में लिखते हैं 2200 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ऑफिस खर्च खाता है, तारीख है 7, रोकड़ खाता कितना है, तो 2200 रुपये है। अब रोकड़ खाते में लिखना है, किसको लिखना है, ऑफिस खर्च को, तो किधर साइड लिखेंगे, तो उधार है, उधार है, तो हम लोग रोकड़ खाते के जमा साइड में लिखते हैं 2200 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं 7 तारीख, क्या लिखेंगे, ऑफिस खर्च खाता कितना लिखना है, 2200 रुपये, ओके। अब यहाँ लिखते हैं 8 तारीख का जयेश भाई खाता, 4830 रुपये दिया है, तो इसके जमा साइड में क्या क्या लिखा है, दोनों लिखे, तो दोनों को हम लिखते हैं जयेश भाई के खाते में, दोनों लिखेंगे, पर किधर साइड, उधार साइड में लिखेंगे, दोनों रुपए दिए हैं, तो ये लिखा है जयेश भाई का खाता है, तारीख है यहाँ पर 8 तारीख है, और यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ खाता कितना था, 4800, कसर खाता कितना है, तो 30 रुपये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, रोकड़ खाता में लिखना है जयेश भाई खाते को, तो ये उधार है, तो कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख हमारे पास कितनी थी, 8 तारीख, जयेश भाई खाता कितना था, 4830। अब कसर खाते में लिखना है, तो कसर खाता हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो गलती हुई है, 8 4800 ही आता है,
अब कसर खाते में लिखना है किसको, जैस वाई खाते को, तो बराबर हम लोग जैस कसर खाता लिखते हैं में कितना है 30 रुपये, तो कसर खाते में ये जैस वाई खाते उधार लिखा है तो इसको जमा में लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं 8 तारीख, क्या क्या लिखेंगे, जयेश भाई खाता कितना आएगा यहाँ पर 30 रुपया, तो नौवां लिखते हैं बीमा। यहाँ पर देखते हैं बीमा कंपनी खाते में हम लोग खरीद खाता लिखना है, जमा है तो हम लोग उधार साइड में लिखेंगे 2600, उधार साइड में लिखना है तो यहाँ लिखते हैं बीमा कंपनी खाते में तारीख 9 है, खरीद खाते, खरीद खाता, अगर आपने यहाँ लिखा होगा आग से जल गया माल खाते का तो यहाँ पर लिख सकते हैं आग से जल गया माल खाता, अगर नहीं खरीद खाता लिखा है तो खरीद खाता लिखेंगे 2600 रुपये। अब यहाँ पर देखते हैं आग से नुकसान खाता उधार है तो इसके इस खाते में इसको लिखना है कितना लिखना है 600, पर कितना लिखना है तो हम लोग उधार साइड में लिखेंगे क्योंकि ये जमा साइड में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 तारीख का है खरीद खाता, खरीद खाता लिखा कितना है तो 600 रुपये है। अब खरीद खाते में लिखना है 3200 लिखना है, पर दोनों को लिखना है, दोनों उधार हैं तो हम उसको जमा साइड में लिख देते हैं बीमा कंपनी खाते और आग से नुकसान खाते, तो 9 तारीख है यहाँ पर लिखते हैं बीमा कंपनी खाता बराबर और क्या लिखेंगे आग से नुकसान खाता कितना है तो यहाँ 2600 है और ये है 600। ओके, अब 10 तारीख का देखते हैं खरीद खाता और रोकड़ खाता, तो खरीद खाते में हमको बना रोकड़ खाता लिखना है उधार साइड में क्योंकि ये जमा साइड में लिखा हुआ है, कितना है 6600 है, सॉरी यहाँ पर 2600 है नगद दिए हैं और अनिल का 4000 बाकी रह जाता है, 4000 यहाँ लिखा, तो रोकड़ खरीद खाते में रोकड़ खाता लिखना है 2600 किधर साइड में उधार साइड में लिखना है क्योंकि ये जमा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तारीख क्या लिखेंगे रोकड़ खाता कितना है 2600। अब रोकड़ खाता में बनाना है तो इसके अपोजिट साइड में खरीद खाता है तो खरीद खाता लिखना है किधर साइड लिखेंगे तो ये उधार है तो जमा साइड में हम लिख देते हैं, पर रकम इसकी ही ध्यान में रखी जाएगी 2600, तो हम लोग रोकड़ खाते में खरीद खाता कहाँ लिखेंगे जमा साइड में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं तारीख 10 है खरीद खाता कितना है 2600। ओके, तो हम लोग अब खरीद खाते के अंदर अनिल ट्रेडर्स खाता भी लिखना है ये भी जमा साइड में, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे उधार साइड में लिखते हैं, खरीद खाते के उधार साइड में 4000, तो यहाँ लिखते हैं 10 तारीख का अनिल ट्रेडर्स खाता कितना था 4000 था। अब अनिल ट्रेडर्स का खाता में लिखना है तो अनिल ट्रेडर्स खाता में क्या लिखना है खरीद खाता क्योंकि उसके ये जमा साइड में तो इसके अपोजिट साइड में कौन है खरीद खाता, तो खरीद खाते को लिखना है तो खरीद खाते को कितना साइड लिखेंगे उधार है तो जमा साइड में लिखेंगे अनिल ट्रेडर्स खाते में 4000, तो ये अनिल ट्रेडर्स खाता लिखा है यहाँ पर लिखेंगे 10 खरीद खाता कितना लिखेंगे तो 4000 लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दुकान भाड़ा खाते उधार कितना है 4800 लिखा है, तो दुकान भाड़ा खाते के अंदर हमको ये इसके अपोजिट साइड में जमा साइड है ये वाला लिखना पड़ेगा इसके खाते में, तो रोकड़ खाता कहाँ लिखेंगे उधार साइड में क्योंकि ये जमा साइड है, इसलिए कितना रकम लिखनी है 4800, तो इसको उधार साइड में लिखते हैं। 10 तारीख है हमारे पास कितना है 12 तारीख है और यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता कितना है तो 4800 है। आहरण खाते में लिखना है आहरण खाता बना रहे हैं 6000 लिखना है, रोकड़ खाते को लिखना है तो इसको भी उधार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं 12 तारीख है यहाँ रोकड़ खाता कितना है तो कितना 6000 था। ओके, अब आगे देखते हैं, अब रोकड़ खाता लिखना है तो रोकड़ खाते में 10800 है तो 10800 कहाँ लिखेंगे तो रोकड़ खाते के 10800 हम लोग लिखेंगे रोकड़ खाता और ये उधार में लिखे हैं दोनों तो इसको हम जमा साइड में लिखेंगे बराबर, तो हम दुकान भाड़ा खाते और आहरण खाते जमा साइड में लिखते हैं, तो 12 तारीख है यहाँ लिखते हैं दुकान भाड़ा खाता 4800 और 12 तारीख है आहरण खाता कितना है 6000 है। अब यहाँ पर लिखेंगे अनिल ट्रेडर्स खाता बना रहे हैं तो बैंक खाता जमा में है तो इसको उधार में लिखेंगे, अनिल ट्रेडर्स खाते में बैंक खाता उधार साइड लिखेंगे 4000, तो तारीख है 13 बैंक खाता अनिल ट्रेडर्स खाते में बैंक खाता लिखेंगे कितना है 4000 लिखते हैं। अब बैंक खाता बनाना है, बैंक खाते में हम लोग अनिल ट्रेडर्स खाता लिखेंगे पर कहाँ लिखेंगे जमा साइड में उल्टी साइड में लिख देते हैं,
तो यहाँ लिखते हैं 13 तारीख अनिल ट्रेडर्स खाता कितना है 4000। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।